यहाँ पे बन रही है एक स्पेशल सी चीज जो कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या बन रहा है। ये देखिए, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। इधर आए हम लोग गाय को रोटी देने। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग आए हैं मंदिर। तो हम मंदिर सब जने ऐसे क्यों आए हैं, क्या स्पेशल ओकेजन है? तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही नई फसल कटती है, घर आती है, तो उसको सुखा के साफ करके अच्छे से उसका आटा पीसा जाता है और फिर सबसे पहले भगवान को मतलब रोट बना के चढ़ाया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। ये चाची जो है इन्होंने चढ़ा दिया और हम थोड़ा लेट आए। आप भी खा लीजिए। ले लीजिए, आप लोग भी खाइए। बहुत सारे प्रकार के होंगे, यहाँ के लोग तो जानते होंगे। आई हो जाए बनाएगा रोट लगी थी बनाने, फिर मैं लगा मिली हूँ मैं अदर थोड़ा सा मैदा रवाना है पता नहीं कजरा बना। सो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे चपातियाँ बना दी, फिर ऊपर से घी शक्कर पूरा ऐसे लगा दिया। और जैसे बाबा बालकनाथ जो गए होंगे लोग, तो वहाँ पे खाया होगा उन्होंने, जिनको पता नहीं शायद से प्रसाद या प्रसाद दे कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वैसा हमने वैसा वाला बनाया है, शक्कर मिक्स करके ही आटे में। तो मैं आपको दिखाऊँ, दिखाया तो था मैंने आपको पहले भी, तो ऐसे होता है। तो अभी सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बंदा आ रहा हूँ। संकी संकी कितनी है? संकी वाह खाने में ना। अभी हम लोग चल पड़े हैं रोट चढ़ा के। अब हम घर जाएंगे और अपने आस पड़ोसियों में रोट को बांध देंगे, मतलब जो भी हमने बनाया हुआ है प्रसाद इधर उधर हमने दे दिया है सबको। अब घर के पास जो लोग हैं उनको देंगे। और जैसे कि जो यहाँ के लोग हैं जिनको पता है, जो देवसिद्ध गए हैं उनको पता होगा कि लेडीज़ जो होती हैं वो मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं। तो हम लोग कभी भी आज तक बचपन से मंदिर के अंदर नहीं गए हैं, इसके कोई भी नहीं जाता है। अम्मा ने भी अब जाना शुरू किया है, तो क्योंकि घर में कोई होता नहीं था तो पूजा करनी पड़ती है डेली, तो फिर अम्मा को ही करनी पड़ती थी, तो इसलिए अम्मा ने जाना शुरू कर दिया। तो जैसे चिड़ियाँ हमारे घर में थी वैसे इनके घर में भी आ गई है कहीं से। तो छोटे छोटे बच्चे उड़ नहीं पाते हैं तो इनको इन्होंने रख दिया है, क्योंकि नहीं नहीं
इस लड़की को मिल चुका है गिफ्ट, इसने टॉयलेट कर दिया। प्यारे से बोल रहे हैं बेचारे। सो ये लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो छोटा छोटा सा वो मेरे इधर दुपट्टे में आके बैठ गया और मुझे लगता है बहुत ज्यादा डर, क्योंकि मतलब मुझे प्यारे लगते हैं ऐसे दूर से, पर मैं पकड़ नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि मैं पकड़ूं, पर मेरी गिरी अपनी है ना तीसरी अपनी, उसको मुझसे डर लग रहा था और मुझे उससे डर लग रहा था। डर तो क्या, पर ऐसे गुदगुदी से होती है। तो सही लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा कर रही थी। सो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में सिर्फ यही दिखाना चाहती थी अपने रिचुअल्स, हम क्या क्या करते हैं, मतलब हमारे यहाँ क्या क्या मनाया जाता है, तो मैं बस वही अपना कल्चर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती थी। तो बाकी तो जो डेली का रूटीन होता है घर में वही होगा, खाना खाएंगे, सो जाएंगे और अपने अपने काम करेंगे। सो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपके वहाँ भी ऐसा मनाया जाता है या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं आपको बताना भूल गई कि हमने इसमें क्या क्या मिक्स किया था। तो इसमें हमने लिया था आटा और उसमें हमने डाली थी शक्कर एंड घी, और उसको जैसे आटा बनाते हैं ना वैसे बना लिया था बिल्कुल। और फिर मैंने आपको दिखाया था कि हमने कैसे कैसे बनाया इसको।